नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम बात करने वाले खिड़की या फिर विंडोज़ के बारे में। विंडो जैसे कि आप जानते हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है, वेंटिलेशन, लाइट एंड व्यू, ये तीनों के लिए हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। अभी विंडो कौन से डायरेक्शन में लगाना है, कहाँ से लगाना है, कौन से टाइप के विंडोज़ लगाना है, वो कौन सा विंडो बेटर है, ये हम आज डिटेल में देखेंगे। तो उसमें मेनली हम लोग मटेरियल के हिसाब से तीन विंडो देख रहे हैं। पहला है एल्यूमिनियम विंडो, दूसरा है यूपीवीसी विंडो, उसके बाद तीसरा है वुडन विंडो। ये तीनों में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा बेटर है, ये सब हम डिटेल जानेंगे। कंपैरिजन बिटवीन यूपीवीसी विंडो, एल्यूमिनियम विंडो और वुडन विंडोज, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खिड़की या फिर विंडोज़ का पर्पज़ क्या है बिल्डिंग में। विंडो एक टाइप का एक ओपनिंग रहता है जो वेंटिलेशन के लिए या फिर व्यू के लिए और लाइट के लिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में दिया जाता है, जिससे कि आउटसाइड का व्यू दिख सके हमको। इसकी वजह से बिल्डिंग का लुक या फिर ब्यूटी भी इम्प्रूव होती है, फिर अच्छी दिखती है। अलग अलग टाइप के विंडोज़ हैं, जैसे कि उनके हिसाब से, मतलब वेंटिलेशन के हिसाब से, व्यू के हिसाब से। तो उस विंडो का सिलेक्शन कौन कुछ क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड रहता है। वो कौन कौन से क्राइटेरिया है ये हम देखेंगे। सबसे पहला है लोकेशन ऑफ रूम। वो लोकेशन कौन से डायरेक्शन में है या फिर वह विंड फ्लो कैसा है उसके ऊपर, या फिर रूम का पर्पस उस पर भी रहता है। उसके बाद है साइज़ ऑफ रूम, रूम का साइज़ क्या है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ विंड, वो विंड फ्लो का डायरेक्शन कैसा है उसके ऊपर भी है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। बाद में यूटिलिटी ऑफ रूम, वो रूम का यूटिलिटी पर्पस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, वो बिल्डिंग का लुक या फिर एस्थेटिक लुक कैसा है, आर्किटेक्चरल व्यू कैसा आएगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी टाइप्स ऑफ विंडो, कौन कौन से टाइप्स विंडो है, वो अलग अलग टाइप के विंडोज है, जैसे उनके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उनके फंक्शनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसमें कुछ टाइप्स ऑफ विंडो है उनको अलग अलग टाइप्स है वो आप देखेंगे। सबसे पहले है फिक्स्ड विंडो, उसके बाद है स्लाइडिंग विंडो, उसके बाद है पिवोटेड विंडो, उसके बाद डबल हंग विंडोज, उसके बाद लोअर्ड विंडो, उसके बाद है केसमेंट विंडो, इसके बाद मेटल विंडोज, उसके बाद है कॉर्नर विंडोज, इसके बाद है वेंटिलेटर्स, और इसके बाद है स्काईलाइट्स। ये 10 टाइप के विंडोज हैं जो बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विंडोज जो है वो एज पर मटेरियल यूज है, मतलब कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उसके ऊपर से तीन मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहला है यूपीवीसी विंडो, उसके बाद है एल्यूमिनियम विंडोज, और उसके बाद है वुडन विंडोज। तो हम देखेंगे कि यूपीवीसी विंडो या फिर एल्यूमिनियम विंडो या फिर वुडन विंडो, इसमें कौन सा विंडो हम लोगों के लिए सही है घर में या फिर ऑफिस में लगाने के लिए। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या क्या उनके पॉइंट्स है, उनका क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हम डिटेल चेक करेंगे। सबसे पहला स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में यूपीवीसी विंडो का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेस है कंपेयर टू एल्यूमिनियम विंडो, और ये एल्यूमिनियम विंडोज का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है यूपीवीसी विंडो और वुडन विंडो के कंपेरिजन में। और ये वुडन विंडो ये एकदम स्ट्रॉन्गर है और मोर ड्यूरेबल है यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडोज से। इसके बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग में कैसा है, यूपीवीसी विंडोज के लिए कोई पेंट या पॉलिश की ज़रूरत नहीं रहती, एल्यूमिनियम विंडोज को पाउडर कोटिंग या फिर एनोडाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वुडन विंडोज को पेंटिंग या पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यूपीवीसी विंडोज कोई मतलब स्मेल वगैरह नहीं आता मॉइस्चर की वजह से, जबकि इसके
पानी के में ज़्यादा होने की वजह से या फिर हायर पीएच की वजह से एल्यूमिनियम को अलग या फिर थोड़ा डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद वुडन विंडो, वुडन विंडो एक पोरस मटेरियल है, वो ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है और एक्सपांड होता है या फिर फूलता है, और वो फूलने के बाद में वो विंडोज़ यूज़ करना या फिर क्लोज कर बंद करना वगैरह भी आसान नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाता है। वेदर कंडीशन, यूपीवीसी विंडो कोई भी वेदर कंडीशन में यूज़ किए जा सकते हैं। जब कोई भी एरियाज में जैसे कोस्टल एरिया है या फिर नॉर्मल जो भी एरिया है सब में यूज़ किया जा सकता है। जबकि एल्यूमिनियम विंडो कुछ एक्सट्रीम कंडीशन के लिए सूटेबल है। जब अगर वो पाउडर कोटिंग किया है, पाउडर कोटिंग वो अगर डैमेज होता है तो उसमें रस्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और वुडन विंडोज़ सब जगह यूज़ करते हैं लेकिन कोस्टल एरिया में उसको अवॉइड करते हैं, क्यों जहाँ हेवी रेनफॉल होता है वहाँ भी वुडन विंडो यूज़ नहीं करते। ऑपरेशन, ये यूपीवीसी विंडो का ऑपरेशन एकदम स्मूथली है, यानी मतलब कोई आवाज़ वगैरह नहीं आता, जैसे आराम से ओपन कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं। जबकि एल्यूमिनियम विंडोज ओपन करना या फिर क्लोज करने में थोड़ा बहुत आवाज़ आता है और वो मेनली वेदर या फिर मॉइस्चर से अफेक्ट हो सकता है। और वुडन विंडोज़ स्मूथ नहीं है, वो भी ओपन करते समय या क्लोज करते समय आवाज़ करते हैं। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यूपीवीसी विंडो एक्सपांड नहीं होते और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, वो एक एक्सटेंड तक रहता है कि जब तक वो टिम्बर या फिर एल्यूमिनियम है वो स्टेबल है तब तक। और एल्यूमिनियम विंडो पे हाई थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट होने की वजह से वो ज़्यादा ये नहीं होते एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते कंपेयर टू यूपीवीसी विंडो। और वुडन विंडो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं तो नहीं तो एक्सपांड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, वो मेनली इसकी वजह से डिसॉर्शन या फिर गैप्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्मल इंसुलेशन, यूपीवीसी विंडो एक अच्छा टाइप का थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपके घर के लिए, जो कि बाहर साइड से जो भी हीट या फिर जो भी गर्मी है वो अंदर से थोड़ा प्रिवेंट कर सकता है। और यूपीवीसी एक लो कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि एल्यूमिनियम एक हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, जो भी हीट आता है वो पास हो सकता है उससे ईजीली। और एल्यूमिनियम ए थर्मली इनफिशियंट चॉइस है फॉर विंडोज कंपेयर टू यूपीवीसी। वुड विंडो एक टाइप का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन उसका इम्प्रॉपर सीलिंग या फिर बेंडिंग की वजह से उसमें एक ज़्यादा पास हो सकती है। टर्माइट रेजिस्टेंट, यूपीवीसी विंडोज एक टर्माइट रेजिस्टेंट विंडोज है, जबकि एल्यूमिनियम विंडोज ये इसको टर्माइट वगैरह अट्रैक्ट नहीं करते या फिर वो वुडन विंडोज़ मेनली प्रोन टू टर्माइट है, तो इसके लिए वुडन विंडोज़ को प्रॉपरली सील होना और उसका प्रोडक्ट या क्वालिटी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है इंस्टॉलेशन करने से पहले। रेजिस्टेंस टू करोजन, यूपीवीसी विंडोज़ ये रस्ट या फिर सड़ने भी नहीं है और वो करोजन भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से। एल्यूमिनियम विंडो इज प्रोन टू ऑक्सीडेशन और ये सस्पेक्टेबल टू करोजन है, तो मेनली इसके लिए अगर आप कोस्टल एनवायरमेंटल में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। वुडन विंडोज ये रस्ट भी नहीं होते या फिर करोजन भी नहीं होता। अल्ट्रावाइट रेजिस्टेंट, यूपीसी विंडोज जनरली एक स्पेशल अल्ट्रावाइट रेजिस्टेंट ब्रेंच से बने रहते हैं, इसलिए उनको कितना भी सनलाइट वगैरह है तो ज़्यादा उसमें जान डैमेज या फिर फर्क नहीं पड़ता। जबकि एल्यूमिनियम विंडोज
ये अगर टिपिकल पाउडर कोटेड है या फिर अनोडाइज है तो पाउडर कोटिंग की वजह से अल्ट्रावाइट रेजिस्टेंस कम रहता है कंपेरेटिवली यूपीवीसी विंडो, और ये इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो सकता है अगर ज़्यादा हीट या फिर ज़्यादा सनलाइट का इफेक्ट कंटिन्यू आए तो। वुडन विंडो ये ज़्यादा यूवी रेजिस्टेंट नहीं, अल्ट्रावाइट रेजिस्टेंट नहीं है, वो बहुत ही जल्दी थोड़ा उसका कलर या फिर डैमेज होना चालू हो सकता है, या फिर उसको बाद में रिपॉलिशिंग या फिर फिनिशिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फायर, यूपीवीसी विंडोज मेनली सेल्फ एक्सटिंग्विशर और फायर रेजिस्टेंट है, उनको दूसरा मतलब मीन्स डू नॉट प्रोपेगेट फायर, उनकी वजह से आग या फिर फैल नहीं सकती। जब एल्यूमिनियम विंडो उसमें एकदम हाई मेल्टिंग टेम्परेचर है, और विंडोज वुडन विंडोज इजीली फायर पकड़ सकते हैं, फिर जल्दी आग लग सकती है। फायर एस्केप, यूपीवीसी विंडो कैन अलाउ मतलब इजीली फायर एस्केप से अलाउ कर सकते हैं, अगर आग वगैरह लग गई तो उसका लोअर ओपनिंग टेम्परेचर की वजह से ये जो ग्लास रहता है वहाँ से आप इजीली वो फ्रेम से निकाल के आप बाहर एस्केप कर सकते हो। जबकि एल्यूमिनियम और ग्लास दोनों हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वहां से एस्केप होना इतना इजी नहीं है। और वुडन विंडो मेनली वो खुद ही फायर कैच करते हैं या फिर उसको स्प्रेड करते हैं, तो वहां भी एस्केप होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। साउंड इंसुलेशन, यूपीवीसी विंडो एक बेटर टाइप का साउंड प्रूफिंग है, विंडोज है वो ज़्यादा अच्छा साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम और वुडन विंडोज, जबकि एल्यूमिनियम विंडो इतना साउंड प्रूफ नहीं है कंपेयर टू यूपीवीसी एंड वुडन विंडोज। और इनक्रीज साउंड प्रूफिंग वुडन विंडोज ये एल्यूमिनियम से बेटर है बट नॉट बेटर देन यूपीवीसी विंडोज। एस्थेटिक्स जैसे लुक, यूपीवीसी विंडो की वजह से एक टाइप का एक रिपीटेशन या फिर अच्छा लुक आ सकता है, बल्कि या फिर अनसर्टी लुक आ सकता है। ये लुक पर्टिकुलरली होम ओनर्स या फिर अलग अलग टाइप के जो यूनिक प्रॉपर्टी जिसको ये रहता है उसके लिए एक एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में कैसे यूपीवीसी विंडोज उसमें एक रिपीटेशन टाइप के विंडोज रहते हैं, जैसे बल्कि और अनसाइटली दिखने में इतना ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, उसमें अपीलिंग या फिर आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा खास नहीं रहता। जबकि एल्यूमिनियम विंडो ये यूपीएस विंडो से ज़्यादा स्लिमर रहते हैं, वह एक अच्छा और मिनिमम लुक दिख सकता है, और ज़्यादातर आजकल वो एल्यूमिनियम विंडोज ही यूज़ करते हैं, मॉडर्न होम में ज़्यादातर एल्यूमिनियम विंडोज यूज़ करते हैं। वुडन विंडोज एस्थेटिकली प्लीजिंग मतलब आर्किटेक्चर लुक वगैरह उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बट उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। वेट, यूपीसी और एल्यूमिनियम विंडोज लाइट वेट है, जबकि वुडन विंडोज एक थोड़ा हेवी वेट है या फिर मैसिव वेट है। सिक्योरिटी, बहुत एल्यूमिनियम और यूपी विंडोज मेनली सिक्योर्ड रहते हैं, जबकि टिम्बर विंडोज या फिर वुडन विंडोज है जो वुलनरेबल रहते हैं, और ये दे पोस्ट टू एंट्री इफ दे डिग्रेड, अगर डिग्रेड होने की वजह से वो कर ये सिक्योरिटी डैमेज हो सकते हैं। लाइफ स्पैन के हिसाब से एज पर नेशनल बिल्डिंग फेडरेशन रिपोर्ट यूपीसी विंडोज का लाइफ स्पैन है अराउंड 20 to 25 ईयर्स है, जबकि एल्यूमिनियम एक हाईली ड्यूरेबल मटेरियल है तो एल्यूमिनियम विंडोज कैन लास्ट अप टू 45 ईयर्स बिकॉज इट डजेंट डिग्रेड इन सेम वे दैट यूपीसी कैन, वो यूपीसी की तरह वो डिग्रेड नहीं होते, 45 ईयर तक उसका स्पैन रहता है। और वुडन विंडोज का स्पैन अब 30 साल तक रहता है, अगर उसका मेंटेनेंस प्रॉपर किया तो उससे भी ज़्यादा रह सकता है।
मेंटेनेंस। यूपीवीसी विंडोज रिक्वायर नो पेंटिंग, मतलब यूपीवीसी विंडो को पेंटिंग की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ क्लीनिंग ही सफिशियंट है। जबकि एल्यूमिनियम विंडो को पीरियोडिक मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जब ज़्यादा अगर यूज हो गए स्विच होने के बाद में। और वुडन विंडोज़ को रेगुलर पेंटिंग या फिर पॉलिशिंग की ज़रूरत रहती है। एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यूपीवीसी विंडो जब तैयार करते हैं, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इसमें जो भी मटेरियल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसलिए जब भी तैयार करते हैं उस समय कम ऊर्जा की इस्तेमाल होता है, जबकि वो जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसका उसके वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की वजह से कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम विंडो में ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम विंडो 7.5 टाइम्स मोर एनर्जी लगती है कंपेयर टू यूपीवीसी विंडो। वुडन विंडो को भी कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम विंडोज। स्क्रैप वैल्यू, यूपीवीसी में विंडो के लिए स्क्रैप वैल्यू बहुत ही कम है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, बट कंपेयर टू वुड उसका वो वैल्यू ज़्यादा है। एल्यूमिनियम विंडो है को स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू बहुत यूपीवीसी एंड वुडन विंडो, और वुडन विंडो को स्क्रैप वैल्यू बहुत ही कम है कंपेयर टू बहुत एल्यूमिनियम एंड यूपीवीसी विंडो। वेस्ट डिस्पोजल, जब भी वेस्ट यूपीवीसी विंडो का वेस्ट होता है, डिस्पोजल होता है, उसमें 99% भी पार्ट को सेपरेट करके उसका हार्डवेयर जो भी है वो सब सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम में ये सब सेपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और वुडन विंडो में भी ये सेपरेशन ऑफ हार्डवेयर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडो दोनों ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है, जबकि वुड ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल है नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। रिसाइकलिंग, यूपीवीसी विंडो 10 बार रिसाइकल कर सकते हैं, और उसका 10 बार आप लोग मेल्ट करके उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम विंडोज को रिसाइकलिंग करते समय कुछ क्वालिटी रहता है नहीं उसका, ज़्यादातर डैमेज होता है, तो उसका रिसाइकलिंग करते समय क्वालिटी एकदम खराब हो जाता है। वुडन विंडोज रिसाइकल कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस है। प्राइस, यूपीवीसी विंडो एक चीपर है कंपेयर टू एल्यूमिनियम और वुडन विंडो, जबकि एल्यूमिनियम विंडोज ये मोर एक्सपेंसिव है देन यूपीवीसी ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। और वुडन विंडो दोनों से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उसके साथ ही बाद में ग्लेजिंग, पेंटिंग, वर्निशिंग या पॉलिशिंग ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा रहता है। तो इसी सब से हमने देखा कि यूपीवीसी विंडो, एल्यूमिनियम विंडो और वुडन विंडो, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है, और इसमें कौन सा हम लोगों को सुटेबल है। तो ये जो सुटेबिलिटी है वो आपकी नीड पर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से ही आपको चूज करना है कि कौन सा विंडो आपको चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो तीन टाइप के विंडो है, जैसे एल्यूमिनियम विंडो, वुडन विंडो, यूपीवीसी विंडो, ये तीनों का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सा विंडो बेटर है या फिर कौन सा आपको सुटेबल है, उस हिसाब से आपके चॉइस के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।